हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों कि आप अच्छे हो और सब कुछ बढ़िया कर पा रहे हो। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम आज बनाने वाले हैं लंग्स, जहां पर मैं आपको इसे बनाने के साथ साथ लेबलिंग करके भी दिखाऊंगा ताकि आप भी इसे बना सको। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लंग्स बनाने सिखाऊंगा, वो भी अल्फाबेट यू से। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे अल्फाबेट यू पहले बनाना है, उसके बाद इसके बीच में आपको थोड़ा सा मिटाना है और इसे उल्टा करके अब बनाना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसे इस तरह से ऊपर की ओर ले जाएंगे, वो भी बीच से आपके अंदाजे से होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे बीच हो सकता है। तो इतना बनाने के बाद दोस्तों हम लोग इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे, दोनों तरफ इसी तरह से बनाएंगे एंड देन आफ्टर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, वो भी इसके सीध में। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसी तरह से दोस्तों हम लोगों को दोनों तरफ बना लेना। अब हम लोग यहाँ पे लंग्स के जो एल्वोली होते हैं या ब्रोंकाइस, जिसे श्वास नली या श्वासनीय बोला जाता है, उसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए सिंपली दोस्तों इस तरह से हम लोग ऊपर की ओर बना लेंगे वी की तरह उल्टा, वो भी एंड देन आफ्टर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसे फोल्ड करके नीचे की ओर डायरेक्ट नीचे की ओर लाएंगे एंड देन आफ्टर दोस्तों यहाँ से हम लोग इसे फोल्ड करके ब्रोंकाइस, ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई बनाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों, आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इतना दूर तक आपको कैसा लगा ये मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताना और वीडियो बनाने के बाद आपको कितना समय लगा इसे बनाने में और आपको कैसा लगा ये भी मुझे कॉमेंट करके दिखाना, ताकि मैं जान सकूँ कि हाँ ये वीडियो में रियली में दम था। सो दोस्तों हम लोग इसी तरह से श्वास नली को बनाते जाएंगे और इसके बाद हम लोग एल्वोली वाले पार्ट को भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये डायग्राम क्लास 11th में भी है और हो सकता है क्लास 10 में भी होगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मैंने देखा दोस्तों आपने यहाँ पे कमेंट किया, मुझे रिक्वेस्ट किया, तो फाइनली मुझे इसे बनाना पड़ा। और इस तरह से दोस्तों हम लोग लंग्स को बनाने के बाद अब यहाँ पे बनाएंगे अल्वोली वाले पार्ट को। तो सिंपली हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे ब्रोंकाई को बना लेना होगा पहले एंड देन आफ्टर यहाँ पे एल्वोली को भी हम लोग बना लेंगे। वो सिंपल आपको छोटा 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 सर्कल करना होगा, तो वो भी चलिए वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और दिखाऊंगा करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने क्लास 10, 9, 11, 12 के ढेर सारे डायग्राम अपने चैनल में अपलोड कर दिए, इवन मैंने क्लास 8 के कुछ कुछ डायग्राम्स भी अपलोड कर दिए अपने चैनल में। इस साल मेरा टारगेट है दोस्तों कि मैं आपके लिए जितने भी डायग्राम्स हैं सब कवर अप करके इस चैनल में डाल दूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि मैं ड्राइंग के अलावा इसके साथ साथ और ढेर सारे कुछ करने चाह रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे हो सकता है कि आपको और फ़ायदे देने के लिए आपके लिए गिव अवे करूँगा, कुछ कुछ और इवेंट कराऊँगा जहाँ पे आपको भी अच्छा लगेगा देखने में वीडियोस को, और साथ साथ में आपको भी मज़ा आएगा और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर मैं अपने आप को थोड़ा सा वास्ट में ले जाऊँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से ज़रूर क्लिक कर लेना और मुझे ज़रूर से ज़रूर कुछ आइडियाज़ देना, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी कुछ नया और कुछ अद्भुत कर सकूं। दोस्तों इस तरह से हम लोग इसे बनाते हुए ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पर इसे मिला देंगे। अब हम लोगों को लास्ट वाले को बनाना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एल्वोली वाले पार्ट को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बहुत देर से बोल रहा हूँ कि हम लोग एल्वोली बनाएंगे, तो फाइनली वो समय आ चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपको इस तरह से छोटा छोटा फोल्ड करना है और एल्वोली को बना लेना है। मैं आपको लास्ट में और एक बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा बेहतर है और किस तरह से आपको ये टेक्निक यूज़ करना है और कैसे इसे बनाना है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे लंग्स वाले पार्ट को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये पूरा लंग्स नहीं होता है, इसमें कुछ रिब्स भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे बनाकर दिखा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे, जी हाँ दोस्तों इसके नीचे हम लोगों को बनाना है डायफ्राम, तो उसे भी बनाकर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए उसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और ये डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसे भी बनाकर हम लोग लेबल करते हैं। लेबल वाले पार्ट में मैं आपसे नाम पूछूंगा, देखता हूँ कि आपको इसमें से कितना नेम्स आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेबलिंग कर दिया खास आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों में लेबलिंग आए। आप में से बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर हिंदी में भी लेबलिंग करें, तो मैं वो भी कर रहा हूँ, फाइंड आउट करके कहीं से ढूंढ के इधर उधर से मैं आपके लिए सारा कुछ ला रहा हूँ इस चैनल में। तो दोस्तों अगर आपको ये सब वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और लाइक करके मुझे और मोटिवेट करना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए दे सकूँ।
तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे अलवोली को अच्छे से बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंपास को वो भी जीरो साइज में लेकर एक सर्कल बना दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पे अलवोली को बना लेंगे इस तरह से, एंड देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे अलवोली के पार्ट को एकदम जूम करके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इसलिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये होता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अलग से भी इसे बना सकते हो, जैसा कि क्लास 10 में दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसे बना लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे लेबलिंग। लेबलिंग करने से पहले आपको यहाँ पे इस तरह से एरोस ड्रॉ कर लेना। लेट मी नो फर्स्ट वन नेम। सो दिस वन इज ट्रैकिया, जिसे श्वास नली बोला जाता है। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके बाद क्या होगा जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज ब्रोंकाइल्स। एंड इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा? सो दिस वन इज लेफ्ट मेन स्टेम एंड ब्रोंकस। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके नीचे, सो दिस वन इज ब्रोंकाई। देन आफ्टर दोस्तों इसके नीचे क्या होगा? सो दिस वन इज लेफ्ट लॉब, बायां भाग। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे, सो दिस वन इज फुफुसा वर्नी, जिसे हिंदी में बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा? सो दिस वन इज फुफुसा वर्नी द्रव्य। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा? सो दिस वन इज डायफ्राम, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद दोस्तों ये है हमारा अलवोली, जैसा कि आपको पता ही है ऑलरेडी। एंड दिस वन इज राइट लॉब्स। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर क्या होगा जल्दी से बताओ, लास्ट वन। सो दिस वन इज राइट मेन स्टेम एंड ब्रोंकस। एंड देन आफ्टर दोस्तों ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई भी यहाँ पे डिफरेंट लगा तो मुझे कॉमेंट करके नीचे बताना, और वीडियो को लाइक करके ही जाना।